दोस्तों, मैं आँख और आईब्रो को बनाने के लिए कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा डार्क होता है और आसानी से फैल भी जाता है। और आप चाहें तो ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फैलता नहीं है फैलाने से। और मैं आँख और आईब्रो की इसी प्रकार से ज़्यादा ड्रॉ करता हूँ। और मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो आइवरी का ड्राइंग शीट है, जो कि 210 GSM का है, और जिसे आप अमेजोन से भी बाई कर सकते हैं। और यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने अमेजोन का लिंक भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं जो कलर पेंसिल यूज करता हूँ वो डोम्स का कलर पेंसिल है, जिसे आप अमेजोन से बाई कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन यदि आप कलर पेंसिल से फेस को किस प्रकार से ड्रॉ करें यह सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। और इसमें मैंने फेस को केवल दो ही पेंसिल से ही पूरी तरह कलर किया हूँ। एक है पेल ऑरेंज, जो कि लाइट ऑरेंज होता है और हल्का स्किन कलर होता है, और एक है ऑरेंज कलर। और इन दो कलर पेंसिल से ही मैंने पूरे फेस को ड्रॉ कर दिया हूँ। और होंठ को ड्रॉ करने के लिए मैंने पिंक कलर पेंसिल और रेड कलर पेंसिल का यूज किया हूँ। फेस में जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैंने पहले ही चारकोल पाउडर को ब्लेंडिंग स्टम के जरिए हल्का हल्का फैला लिया हूँ, जिसके ऊपर मैं यदि ऑरेंज कलर का पेंसिल चलाऊँगा तो वह ब्राउन कलर हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें ब्राउन कलर का यूज़ भी मुझे नहीं करना पड़ेगा। जैसे आँख के नीचे में मैं हल्का हल्का फैलाया हूँ और नोज के अगल बगल में हल्का हल्का, तो ये जो दिख रहा है हल्का डार्क वो चारकोल पाउडर है, जिसे मैंने ब्लेंडिंग स्टम से फैलाया था, और ये होममेड ब्लेंडिंग स्टम है। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। और अभी भी मैं ब्लेंडिंग स्टम से हल्का हल्का चारकोल पाउडर को फैला रहा हूँ, जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे, और इसे बहुत धीरे धीरे फैलाना पड़ता है क्योंकि दाग ना पड़ जाए कहीं अलग। इसके बाद मैं पेल ऑरेंज का यूज कर रहा हूँ, जो कि स्किन कलर है, और पेंसिल को आप हल्के हल्के ही चलाएं और ज़्यादा घिसे ना, ज़्यादा घिसने पर उसमें स्क्रब पड़ जाएगा या चिन्ह पड़ जाएगा और पन्ना भी खराब हो सकता है, इसलिए इसे धीरे धीरे ही चलाएं। और बाकी तो रिफरेंस इमेज को देखकर पेंसिल को चलाना पड़ता है, जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे डार्क चलाना पड़ता है, और जहाँ पे हल्का वहाँ पे हल्के। और यहाँ पे मैं डार्क साइड है तो उसे मैं हल्के डार्क करने के लिए ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ, और रिफरेंस इमेज में इसी प्रकार का है। और यहाँ पे आईब्रो हल्का भूरा कलर है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का ऑरेंज का भी यूज किया हूँ आईब्रो में। और उसके बाद मैं आँख के अगल बगल में पेल ऑरेंज की यूज कर रहा हूँ, और यहाँ भी मैं जहाँ पे डार्क साइड वहाँ पे ऑरेंज कलर की यूज करूँगा। और इसे भी आप स्मूथ ही चलाएं, ज़्यादा डार्क करने के चक्कर में पेंसिल को ज़्यादा गणाएं ना, वरना पन्ना खराब हो सकता है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से भूरा कलर हो गया आँख के नीचे वाला भाग हल्का, और वहाँ पे मैंने सिर्फ ऑरेंज कलर ही यूज किया हूँ, और पहले का चारकोल पाउडर का हल्का फुल्का चारकोल पाउडर हल्का से लगा था, इस कारण से वहाँ पे भूरा कलर हो गया। और इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। और यदि आप इस ड्राइंग को बनाना चाहते हैं तो इसका रेफरेंस फ़ोटो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड करके बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ड्राइंग में फेस को ड्रॉ करने के लिए मैंने केवल दो पेंसिल का यूज किया हूँ, ऑरेंज और पेल ऑरेंज का, पेल ऑरेंज यानी स्किन कलर। और आप भी इन दो पेंसिल का यूज करके बना सकते हैं। और डोम्स के 24 कलर पेंसिल पैक में ये दोनों कलर मिल जाता है, तो आप उसे ले लेना। यहाँ पे मैंने लिप्स को कलर करने के लिए हल्का पिंक किया हूँ पहले, उसके बाद डार्क पिंक कर रहा हूँ जहाँ पे लकीर है वहाँ पे हल्का फुल्का, और इसके ऊपर मैं रेड कलर यूज करूँगा।
और इसे आप आराम से बनाएं तो अच्छा बनेगा। और कोई भी ड्राइंग जल्दबाजी में अच्छा नहीं बन पाता, इसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो अच्छा से बनाना चाहते हैं तो आप अच्छा मेहनत कीजिएगा इसमें भी बनाने के लिए, और अच्छा टाइम दोगे तो अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हेयर ड्राइंग का ट्यूटोरियल चाहते हो तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बना दूंगा ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि हेयर ड्राइंग वाला होगा। कमेंट कर देना यदि आप चाहते हैं तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम में मैं कैवर्थ आर्ट के नाम से ही अपना आईडी चलाता हूँ।